दोस्त जिंदगी में दो तरह के होते हैं, एक वो जो वादा करते हैं और उनको निभाते भी है, और दूसरे वो जो वादे करते हैं पर निभाते नहीं। आज की तीन दोस्त और प्लेनचेत की कहानी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है, जो रहते तो एक ही शहर में है लेकिन अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि एक दूसरे से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। कॉलेज खत्म करने के करीबन 3 साल के बाद तीनों ने रीयूनियन प्लान किया कसौल में, हिमाचल का एक छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पिछले कुछ सालों में बहुत मशहूर हुआ है। वहां उन्होंने ऑर्किड पार्क नाम की एक होटल में रूम बुक करवाए। रोहित और आयुष रात को ही ट्रेन से निकल गए और निखिल ऑफिस के काम में बिजी था, इसलिए ट्रेन निकलने के करीबन 1-1.5 घंटे के बाद बाई कार ही कसौल के लिए निकल गया। रोहित और आयुष के कसौल पहुंचने के करीबन 5-6 घंटे के बाद निखिल भी वहां पहुंचा। बातें करते करते कब टाइम निकला पता ही नहीं चला। उन्होंने रात करीबन 11 बजे डिनर का ऑर्डर दिया और इस बीच निखिल ने लाइट बंद करी और मोमबत्तियां जलाकर अपने बैग से प्लानचेट बोर्ड निकाला। तीनों दोस्तों को कॉलेज के दिनों से ही मानो इसका नशा हो गया था। तीनों ने मिलकर प्लानचेट करना अभी शुरू ही किया था कि कमरे में रखी इलेक्ट्रिक पानी की केतली से पानी के उबलने की आवाज आने लगी। रोहित ने उठकर पानी की केतली के ढक्कन को जैसे ही उठाया वो आवाज बंद हो गई और उसके पीछे से तभी एक आवाज आई। ये सारी आवाजें रोहित के साथ साथ निखिल और आयुष भी सुन पा रहे थे कि तभी डोरबेल की आवाज ने मानो तीनों के बदन के वजन को आधा कर दिया हो। रोहित ने हिम्मत कर दरवाजा खोला तो वहां रूम सर्विस खाना लिए खड़ा था। तीनों की सांसों में सांस आई। रोहित ने रूम सर्विस वाले से खाना टेबल पर रखने को कहा और उसके वहां से जाते ही दोस्तों को आवाज लगाई और कहा चल यार खाना खा लेते हैं, रात काफी हो गई है। तभी एक आवाज आई, खाना ही खाना था तो मुझे यहाँ क्या तमाशा देखने को बुलाया। रोहित आयुष और निखिल कॉलेज के बाद रीयूनियन के लिए कसौल के ऑर्किड पार्क होटल गए, जहां निखिल ने देर रात कॉलेज के दिनों की तरह प्लानचेट करना शुरू किया। तो पहले तो रूम में तरह तरह की आवाजें आने लगी और फिर डोरबेल की आवाज। दरवाजे के उस पार रूम सर्विस बॉय खाना लिए खड़ा था। उससे खाना लेकर रोहित ने टेबल पर रखा और अपने दोस्तों से कहा चल यार खाना खा लेते हैं, रात काफी हो गई है। तभी एक आवाज आई, खाना ही खाना था तो मुझे यहाँ क्या तमाशा देखने को बुलाया। चल बात कर मुझसे, जो सवाल पूछना है पूछ। ये आवाजें निखिल के मुंह से आ रही थी। रोहित ने कहा मजाक बंद कर निखिल, चल खाना खा लेते हैं। निखिल रोहित पर बिदकते हुए कहता है क्यों रे, तुझे खाना खिलाने की बड़ी जल्दी पड़ी है, समझता क्या है खुद को, तेरी गाय जैसी बीवी को बता दूं उसके पैसे के लिए शादी की थी ना उससे। गुड़गांव वाले फ्लैट का इस्तेमाल तो कब कैसे और किसके साथ करता है बता दूं तेरी बीवी को। मूनलाइट होटल कमरा नंबर 303 ऊटी रिसोर्ट। बोलना, बोलता क्यों नहीं है। तभी रोहित का फोन बजता है। निखिल ने कहा एक मूनलाइट होटल कमरा नंबर 303 वाली ने अपनी फोटोग्राफ्स भेजी है, देख देख देख। निखिल ने जो कुछ भी कहा वो रोहित की जिंदगी का एक ऐसा सच था जो सिर्फ रोहित को ही मालूम था। और इस वक्त जो मैसेज आया था उसके फोन पे उसमें भी वही था जिसकी बात निखिल कर रहा था। पर आयुष को लगा कि शायद दोनों दोस्त मिलकर उसको बेवकूफ बना रहे, इसलिए उसने कहा चलो यार बहुत हुई तुम दोनों की नौटंकी, अब खाना खा लेते हैं। निखिल आयुष की तरफ पलटा और बोला भिखारी
ये रोहित लड़कियां ताड़ता है तो आयुष तू तो जुआरी है जुआरी। 20 लाख का लोन कैसे चुकाएगा? आयुष को अंदाजा हो गया था कि रोहित चुप क्यों था, क्योंकि आयुष की भी ये सारी बातें किसी और को पता नहीं थी सिवाय आयुष के। निखिल एक बार फिर बोल उठा, बताना रोहित को कि तू इस ट्रिप पर दोस्ती निभानी नहीं, उससे रुपए उधार मांगने आया है। आयुष को काटो तो खून नहीं, क्योंकि यहां इस ट्रिप पे वो इसी इरादे से आया था। अब निखिल ने अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, दिल तो कर रहा है रोहित, इस निखिल की बातें तेरे अंदर घुस कर बताऊं ताकि इस निखिल का चेहरा देख सकूं, लेकिन इसके अंदर मुझे अच्छा लग रहा है। कॉलेज के 3 पुराने दोस्त 4 साल के बाद रीयूनियन के बहाने से कसौल में मिले। तीनों ने कॉलेज का पुराना खेल प्लानचेट शुरू किया। थोड़ी देर में कमरे में उथल पुथल शुरू हुई। फिर निखिल ने अपने दोस्त रोहित और आयुष की गंदी गंदी सच्चाइयां बोलनी शुरू करी, पर ताज्जुब की बात यह थी कि आवाज निखिल की थी ही नहीं। रोहित और आयुष ये सारी बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि ये सारी बातें खुद उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। कि तभी निखिल ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, दिल तो कर रहा है रोहित कि इस निखिल की बातें तेरे अंदर घुस कर बताऊं, लेकिन इसके अंदर मुझे अच्छा लग रहा है। ये तुम दोनों जैसा नहीं है, अपने बलबूते पर काम करना चाहता था, पहले नौकरी फिर बिजनेस, और यहां इसलिए आया ताकि अपने नए बिजनेस प्लान में तुम दोनों को घुसा सके। निखिल की गर्लफ्रेंड के साथ तूने क्या क्या नहीं किया रोहित? निखिल की निजी जिंदगी की सच्चाई को सुनकर आयुष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। तभी निखिल बोल उठा, तू क्या हंस रहा है आयुष? जा अपनी बीवी से पूछ, वो किटी पार्टी का बोलकर घर से निकलती है तो इस पिल्ले रोहित के गुड़गांव वाले फ्लैट में क्या करती है? निखिल ने कहा कि ये जो रोहित है वो बस कहने के लिए दोस्त है, क्योंकि दोस्ती की आड़ में उसे कुछ और ही चाहिए। आयुष की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच उसके सामने था। वो गुस्से भरी निगाहों से रोहित की तरफ देख ही रहा था कि निखिल बोला, तू इसे गुस्से से क्या देख रहा है साले? तूने भी तो इसकी बीवी पर गंदी नजर डाली, पर इस रोहित की गाय जैसी बीवी ने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं करी, तो बस तुझे भैया भैया ही कहती रही। मरोगे तुम दोनों मरोगे। टेबल पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा था, और अपने दोस्त निखिल को बुलाकर रोहित और आयुष के बीच में शुरू हुई एक जोरदार हाथापाई। रोहित, आयुष और निखिल कॉलेज कंप्लीट करने के 3 साल बाद रीयूनियन के लिए कसौल के ऑर्किड पार्क में गए। देर रात उन्होंने प्लानचेट करना शुरू किया, और उसके बाद रोहित और आयुष के सामने खुद निखिल ने खोले कुछ ऐसे गंदे राज जिससे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस आवाज में निखिल बातें कर रहा था वो उसकी आवाज ही नहीं। निखिल की बातें सुनकर रोहित और आयुष के बीच में शुरू हुई एक जोरदार हाथापाई, और निखिल बिस्तर पर बैठकर चेहरे पर एक मुस्कान लिए दोनों की इस लड़ाई को बड़े इत्मीनान से देख रहा था। सुबह जब काफी देर तक उनके
कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब उन दोनों की आंख खुली तो सामने होटल के स्टाफ और पुलिस वाले बैठे थे उनका बयान लेने के लिए। आयुष ने पूछा कि निखिल कहां है। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कौन निखिल। फिर उन्होंने बताया कि उनका तीसरा दोस्त जो उनके साथ यहां कसौल आया था। पुलिस ने होटल का रजिस्टर मंगवा के चेक करा, वहां सिर्फ रोहित और आयुष का नाम था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी सिर्फ दो ही आदमी यानी रोहित और आयुष इस होटल के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ऑफिसर ने दोनों से उनके दोस्त निखिल का हुलिया पूछा। उन्होंने बताया करीबन 5 फीट 8 इंच हाइट होगी उसकी, रंग गोरा है, बाल घुंघराले और कल रात जब वो हमारे साथ था उसने नीली रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने उन दोनों को एक तस्वीर दिखाई अपने मोबाइल पर और पूछा क्या आपका दोस्त ऐसा दिखता था। तस्वीर देखकर दोनों के होश उड़ चुके थे, ये उनके दोस्त निखिल की ही तस्वीर थी। पुलिस ने बताया कि कल शाम कसौल आने के रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में इस फोटो वाले लड़के की मौत हुई है और इसके पास से कपड़ों का एक बैग और प्लैंचेट वाला बोर्ड मिला। कल शाम अगर निखिल की मौत हो गई थी तो पूरी रात आयुष और रोहित के साथ कौन था। कुछ सवाल ऐसे जिसका जवाब ना आयुष के पास है और ना ही रोहित के पास। निखिल शायद उन दोस्तों में था जिसने मरने के बाद भी अपने दोस्तों से मिलने का वादा पूरा किया।